अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम चने दाल की तड़के रेसिपी बनाने जा रही हैं, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना करके हम रेडी करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम चना दाल को एक प्याली भर करके लिए हैं और एक चौथाई हम लिए हैं मूँग का दाल। मूँग का दाल सिर्फ हमें गाढ़ा करने के लिए लेना है, बस थोड़ा सा लेंगे। तो अब हम इन दालों को पहले धो लेते हैं। यहाँ पर हम एक बॉल ले लिए हैं, इतनी सारे दालों को हम डाल देंगे, मूंग का दाल को भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे धोने के लिए पानी। दालों को अच्छे से इस तरीके से रगड़ करके हमें धो लेना है। इसमें जो डस्ट या पाउडर वगैरह होते हैं वो अच्छे से धुल जाने चाहिए। दो से तीन पानी तक हम इसे धो लेते हैं। यहाँ पे दाल हमारे धुल गए, हम तीन पानी से इसे धो लिए हैं। आप चाहे तो इसे 5 मिनट तक फुला करके भी रख सकते हैं, हम ये भी फ़िलहाल नहीं फुलाएंगे, हम डायरेक्टली इसे कुकर में डालेंगे। हम यहाँ पे कुकर ले लिए हैं, अब इन सारी दालों को हम इसमें डाल देंगे कुकर में। दाल सारी चले गए, अब हम हाफ प्याज को रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को इसे हम क्रश करके डाल देंगे और हाफ प्याली हम लहसुन को बिल्कुल रफली छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, इसे भी हम डाल देंगे। 2 तेज़पत्ते डालेंगे, 2 सूखी मिर्च डालेंगे। बहुत ही टेस्ट और लाजवाब बन करके रेडी होंगे ये दाल। 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और 1 टमाटर को हम काट करके डाल देंगे। टमाटर हमें बाद में भी इस्तेमाल करना है, इसीलिए भी हम कम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। हम फिलहाल 1 गिलास भर करके पानी डाल रहे हैं, पानी थोड़ा सा और डालेंगे हम। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ताकि हमारा दाल फेंके नहीं। कुकर का ढक्कन को हम बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे गैस पे चढ़ा लेते हैं। गैस पे हम कुकर को चढ़ा लिए हैं, इसमें हम 3 सीटी आने देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका गैस खुद से हम रिलीज होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 सीटी लग गया था, अब हम इसके गैस को खुद से रिलीज होने दिए हैं। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं एक बार और ये देखिए हमारे दाल अच्छे से गल गए हैं, पानी सूख गए हैं। इसका दाल हम चेक कर लेते हैं एक बार, एकदम बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसे एक बार हल्के से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा फिलहाल पानी डालेंगे, बस इतना ही पानी डालना है हमें। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं, तभी हम इन दालों में तड़का लगा लेते हैं। तो गैस पे हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल। आप चाहे तो घी में भी इसे बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, सबसे पहले हम डालेंगे 2 सूखी हुई मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून जीरा। इसे अच्छे से हम चटक जाने देंगे, इस तरीके से हम मिर्चों को अच्छे से हम कलर आने देंगे ताकि इसका तेल में अच्छा सा सोंधा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देंगे, इसको अच्छा सा हम पूरा गोल्डन कलर आने देंगे इन प्याजों में। ये हमारा प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कसूरी पत्ता, इसे अच्छे से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चमची टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी हम कम इसलिए डाले कि हमने टमाटर पहले भी यूज किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हैं। अब हम इसे ड्राई होने तक अच्छे से भून लेना है, पानियों को हमें अच्छे से सूखने देना है। ये हमारा अच्छे से लगभग भून गया है, हमारे तेल इसमें छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे तीखा नहीं होगा, सिर्फ अच्छा सा कलर आएगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा फ्लेवरफुल तड़का तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे गले हुए चने दाल को। ये
देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर बिल्कुल ढाबे स्टाइल ये दाल बन करके रेडी होती है। इस तरीके से हम एक बार मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके एक बॉयल आने देंगे। एक बॉयल आने देते हैं इसमें। तो हमारा दाल में एक बॉयल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इसे हम ढक करके 2 मिनट छोड़ देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो बिल्कुल ढाबे वाली लुक से हम सर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चपातियाँ बनाने लगे हैं। इस तरीके से हम सारी चपातियों को बना लेते हैं दाल फ्राई में खाने के लिए। बिल्कुल ढाबे लुक हम बना रहे हैं आज खाना। और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं बिल्कुल कच्ची प्याज मिर्ची वाली ऑमलेट। इस तरीके से हम ऑमलेट को बना लेते हैं। तो अब हम लगाने जा रहे हैं अपने प्लेट, ढाबे स्टाइल वाली प्लेट। यहाँ पर हम लेंगे चना दाल फ्राई या तड़का भी बोल सकते हैं आप इसे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती और ये रही कच्ची वाली प्याज। दो चपाती लेंगे, फ्राई अंडे लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम हरी मिर्च की मिक्स अचार। ये अचार की रेसिपी हमने अपने चैनल पे दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। और ये हमारी ढाबे वाली थाली तैयार है। जरूर से ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।